दो कागज के टुकड़ों को अगर मैं इस तरह से रखकर अगर इसके बीच में फूंक मारूं तो क्या होगा? आप लोगों ने क्या देखा कि बीच में अगर मैं फूंक मार रहा हूं तो ये इससे दूर जाना चाहिए था, मगर ये क्या हो रहा है और नजदीक आ जा रहा है। फिर से एक बार देख ले, समझ में आया? ये नजदीक जो आ रहा है, इसी घटना को हम लोग समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं बर्नौली का सिद्धांत या बर्नौलीज प्रिंसिपल। यहाँ पर क्या होता है बर्नौलीज के प्रिंसिपल को छोटे शब्द में अगर समझना है तो हम क्या ले सकते हैं, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1/प्रेशर। शॉर्ट में सबसे समझने का बर्नौली सिद्धांत अगर एक भाषा में समझना है तो हम लोग कहते हैं कि स्पीड जो है हवा का, अगर हम कहें हवा का वेग, वो उसके प्रेशर के विलोम अनुपात में होता है। मतलब अगर कहीं भी प्रेशर बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, या अगर हम उल्टा कहें स्पीड को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो वही सिद्धांत हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ये जो दो कागज जो मैंने लिया था, जब इसके बीच में मैं फूंक मार रहा हूं तो इसके अंदर की जो वायु है उसका वेग बढ़ जा रहा है, तो अंदर की जो वायु का वेग बढ़ रहा है तो उसका प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो इन दोनों के बीच में जब प्रेशर घट जाए तो प्रेशर घटने से क्या होता है, किनारे में तो प्रेशर सेम है हवा का, मगर बीच में घटा है तो बाहर से अधिक दबाव के कारण वो दोनों पेपर को एक साथ नजदीक में लाना चाहेगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये बर्नौली का सिद्धांत है। इस बर्नौली के सिद्धांत को सबसे पहले बर्नौली ने जो 1738 ईस्वी में डैनियल बर्नौली ने इसे हमें बताया था। डैनियल बर्नौली नाम याद रखेंगे, डैनियल बर्नौली, इसको और थोड़ा एलेबोरेट करके हम लोग पढ़ते हैं। ये सिद्धांत जो है ये एक आदर्श द्रव के लिए लागू होता है, ध्यान रखेंगे आदर्श द्रव। आदर्श द्रव किसे कहते हैं, वैसा द्रव जो इनकॉम्प्रेसिबल है, मतलब जो दबाया नहीं जा सकता, जैसे असंपीड्य भी कहते हैं, असंपीड्य जैसे दबाया ना जा सके, जैसे कि पानी इनकॉम्प्रेसिबल है और आश्यान है जिसमें कोई भी श्यानता नहीं है। मगर ऐसा कोई द्रव हम लोग रियलिटी में ये दोनों जिसमें मिल जाए इनकॉम्प्रेसिबल श्यानता, पानी में भी थोड़ा तो कॉम्प्रेशन होता ही है, ऐसा कोई द्रव हमारे लिए 100% नहीं है। तो ये जो रूल है ये 100% लागू नहीं होता, मगर फिर भी ये बहुत हद तक हमारे लिए यूजफुल है। तो इस तरह का कोई द्रव होता है आदर्श द्रव, इनकॉम्प्रेसिबल आश्यान द्रव, तो वहां पर बर्नौली का सिद्धांत लागू होता। एक आदर्श द्रव को विभिन्न व्यास वाले नली से, मतलब ऐसा ट्यूब है जिसका व्यास अलग अलग जगह पर अलग है, एक जगह कहीं पतला है और कहीं पर चौड़ा, जैसे कि अभी हम लोग थोड़ा पहले पढ़ चुके कंटिन्यूटी इक्वेशन में, विभिन्न व्यास वाले नली से प्रवाहित किया जाए तो इकाई मात्रा वाले आदर्श द्रव पर स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, कुल कितनी ऊर्जा यहाँ पर हम लोगों ने बता रहे हैं, तीन ऊर्जा, स्थितिज यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, गतिज काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, ये तीनों ऊर्जा का योग जो होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। यहाँ पर देखिए ये पहला जो P by rho लिखा हो, rho मतलब डेंसिटी, जो द्रव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो डेंसिटी है, अब P उस पर प्रेशर कार्य कर रहा है, तो P by rho plus G into H, G यहाँ पर गुरुत्वजनित त्वरण है और H हाइट है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, और हाफ V square, V मतलब जिस वेग से वो प्रवाह कर रहा है। ये तीनों जो है ये प्रेशर एनर्जी, ये स्थिति या पोटेंशियल एनर्जी और ये गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी, ये तीनों का योग हमेशा स्थिर होता है, मतलब कोई भी एक को अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या होगा, वो कमेगा। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही जब हम लोग एग्जांपल दे रहे थे, पेपर जो है ऐसे एक दूसरे से नजदीक आ जा रहे, जबकि उसे दूर जाना चाहिए था, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा था, जगह पर, जिस जगह पर हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं, वायु का वेग बढ़ाते हैं, वहां पर प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको हम छोड़ के देखें तो ये प्रेशर है और ये क्या है, वेग है। अगर हम वेग को बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा, क्योंकि दोनों को जोड़कर स्थिर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझें, इसको छोड़ कर देखें, अगर ये मान लीजिए मेरा 10 है और ये मान लीजिए मेरा 10 है, दोनों फिलहाल वक्त 10 है, तो 10 प्लस 10 कितना होगा 20, ये 20 हमेशा स्थिर रहेगा। आप इसे कैसे भी चेंज कीजिए, अगर हम इसको 10 की जगह में 15 कर देंगे, वेग को हम बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 होगा, तभी तो ऐड होकर 20 आएगा यहाँ पर, इस चीज को समझ में आए। ये बढ़ने पर इसको घटना ही पड़ेगा, वेग को जब भी बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो ये एक ट्यूब कल्पना करेंगे जिसका एक हिस्सा जो है ये इसका व्यास अधिक है, मतलब ये अधिक एरिया है, और एक दूसरा हिस्सा का एरिया क्या है, कम है। इसका एरिया हम लोग A1 मान लेते हैं और इसका है एरिया हम लोग A2 मान लेते हैं।
इस एरिया पर यहाँ से प्रेशर P1 आ रहा है, बाहर से एक प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से यहाँ से पानी निकलकर यहाँ तक जा रहा है, उसके बाद वो बाहर निकल रहा है। तो जब प्रेशर P1 लग रहा है तो यहाँ पर पानी का जो वेग है उसे हम लोग V1 मान रहे हैं, और यहाँ पर जब प्रेशर P2 चूंकि यहाँ पर कम हो गया है तो प्रेशर भी चेंज होगा P2, और यहाँ पर इसका वेग है V2। ये छोटा V1 और छोटा V2 इसका वेग को दर्शा रहा है, और ये जो लिक्विड है, जो भी लिक्विड है वो उसकी डेंसिटी हम लोग रो मान लेते हैं। तो सी पॉइंट पे जो प्रेशर एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर, क्योंकि इन्हीं दोनों के कारण इसमें गति आ रही है। तो सी पॉइंट पर हम लोग देखते हैं, एट सी पॉइंट एनर्जी कहने का मतलब है एक सेकंड में इस प्रेशर के द्वारा कितना कार्य हो रहा है। तो हम लोग इसे लिखेंगे सिंपल वर्क डन, तो वर्क डन पर सेकंड। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स, तो यहाँ पर मान लेते इस P1 के कारण फोर्स लग रहा है F1, क्योंकि प्रेशर है तो फोर्स तो होगा ही, और विस्थापन, यहाँ पर विस्थापन क्या है तो मान लेते हैं वो D1 है। अब हमें यहाँ पर फोर्स निकालना है। फोर्स कैसे कैलकुलेट होता है? फोर्स को जब भी प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स आता है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, P = F/A। तो जब P हम जानते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ देख ले, P = F/A हम जानते हैं, तो अगर हमें F निकालना हो तो P * A करेंगे तो हमारा F निकल जाएगा। तो यहाँ से ही हम लोग निकाल सकते हैं F1 की जगह में P1 * A1। A1 यहाँ पर क्या है, एरिया है, और D मतलब यहाँ पर क्या है, D मतलब डिस्टेंस, एक सेकंड में वो द्रव कितनी दूरी तय करेगा। तो एक सेकंड में अगर उसका वेग अगर V1 है, तो कोई अगर वस्तु का वेग V होता है तो एक सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, वेग के बराबर V, तो यहाँ पर एक सेकंड में वो V1 दूरी ही तय करेगा। तो ये हो गया V1। A1 into V1 मतलब क्या, एरिया को जब हम लोग वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा याद रखेंगे आप लोग आयतन या वॉल्यूम मिलता है, क्योंकि एक सेकंड में ये कितनी दूरी तय करता है। अभी हम लोग कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, अगर ध्यान देंगे एक सेकंड में, मान लेते हैं ये जो लेयर है यहाँ पर पानी का जो स्तंभ है, ये यहाँ पर पहुंच जाएगा एक सेकंड में, तो एक सेकंड में कितनी दूरी तय होगा, V1 दूरी तय होगा, V1। तो V1 जो दूरी है उसको इस एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, V1 को एरिया से, तो हमें क्या मिलता है, आयतन मिलता है कि एक सेकंड में यहां से यहां कितना पानी गया, एक लीटर दो लीटर जो भी। तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, V1 कहेंगे। और इसी तरह से D पॉइंट पर क्या होगा, एट D पॉइंट सेम टू सेम, यहां पर भी F2 * हम लोग D2 करेंगे, फिर उसी तरह से ये सब कुछ होगा, A2 होगा या V2 होगा, यहां पर क्या आएगा, V2 आएगा। P1 = P2 V2। अब यहाँ पर एक और चीज गौर करें कि जो V1 और V2 है, ये असल में एक सेकंड में जितना आयतन इस पाइप से होके जा रहा है, चूंकि जितना द्रव यहाँ पर जाता है, अगर एक सेकंड में यहाँ पर एक लीटर द्रव आया तो एक सेकंड में एक लीटर द्रव यहाँ से बाहर निकलेगा, इसी तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। तो यहाँ पर V1 जो V2 और V1 है, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हम जानते हैं कि V1 = V2, तो ये हमको पता है। तो हम क्या देखेंगे, ये P1 * V हो गया, ये P2 हो गया, यहाँ पर ये P2 * V हो गया। क्या कि C पॉइंट पर जो प्रेशर एनर्जी है वो P1 * V है, P1 * V, और D पॉइंट पे कितना है, P2 * V, क्योंकि P1 जो है इधर से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये प्रेशर अधिक है, तो इन दोनों का जब डिफरेंस होगा तो ये दोनों डिफरेंस जो ऊर्जा है, यही ऊर्जा की वजह से ये पानी यहाँ से वहां जा रहा है। अब ये पानी में इधर, तो ये ऊर्जा हुआ प्रेशर एनर्जी, इसके वजह से जो ऊर्जा उसमें आ रही वो क्या क्या है, तो यहाँ पर जो पानी है इसका पर देखिए, इस सी पॉइंट पर देखिए, इस पर एक गति भी है और इसकी ऊंचाई भी है, तो गति के कारण गति जो ऊर्जा आएगी और ऊंचाई के कारण स्थिति जो ऊर्जा आएगी, तो स्थिति जो ऊर्जा का मान अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं mg, यहाँ है h1 और यहाँ इसके हिसाब से देखेंगे तो mg h2। तो अगर हम दोनों का अंतर कर ले, पहले mg h2 ये अधिक है ऊंचा है, इसलिए mg h2 - mg h1 प्लस, ये हुआ स्थिति ऊर्जा का अंतर। इसी तरह से गति ऊर्जा का अंतर क्या होगा, वेग कहाँ पर अधिक है, आप लोग गौर करें तो जहां पर एरिया कम होता है उसका वेग अधिक होता है, तो ये वाला वेग अधिक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ½mv2² - ½mv1, ये गति ऊर्जा है, ये समझ में स्क्वायर। अब हम लोग जितना वन वाला टर्म है उसको सब एक तरफ लेकर आ जाएंगे, P1V - mgh1 इधर आएगा तो +mgh1 +½mv1² देखिए, यहाँ पर V, ये जो V1 लिखा है और ये V, दोनों में अंतर, ये वेग है और ये आयतन है, इसको क्या लगेंगे, और ये माइनस जब होता जाएगा तो P2V +mgh2 +½mv2²
इधर सब वन वाले टर्म आ गए, इधर सब टू वाले टर्म आ गए। अब यहां पर हम लोगों को जो कैलकुलेशन करना है इस पर मास या मात्रा से डिवाइड करना, चूंकि हम लोग बर्नौली के सिद्धांत देखे थे इकाई मात्रा पर, तो इकाई मात्रा निकालने के लिए ये दोनों तरफ हम लोगों को m से भाग करना होगा। तो हम इसे m से भाग करेंगे, दोनों तरफ m से भाग करने पर t1 v बाई m, m यहां पर कट गया g h1 प्लस हाफ m यहां पर कट गया v1 स्मॉल v है v1 स्क्वायर, यहां पर p2 v बाई m प्लस g h2 प्लस हाफ v2 स्क्वायर अब v बाई m आयतन बटा मात्रा, आयतन बटा मात्रा को हम लोग घनत्व कहते हैं, यानी कि यहां पर हम लोग रो कहेंगे, तो p1 इंटू रो, p1 बाई रो मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास नहीं, मास बाय वॉल्यूम, p1 बाई रो प्लस जी एच वन हाफ वी वन स्क्वायर। यहां पर भी v बाई m, तो नीचे वॉल्यूम है तो मास बाय वॉल्यूम, तो p2 बाई रो प्लस जी एच टू प्लस हाफ वी टू स्क्वायर। दोनों टर्म को देखिए, सिर्फ वन को अगर हटा दे तो सब कुछ तो सेम है, पी बाई रो जी एच हाफ वी, पी बाई रो जी एच हाफ वी स्क्वायर, तो इसी को कहते हैं दोनों जब सेम है तो इसे हम लोग कॉन्स्टेंट कह सकते हैं। तो ये जो टर्म है पी बाई रो, पी वन को हटा दिया हम लोगों ने, जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही है हम लोगों का बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है कि इकाई मात्रा वाला प्रेशर एनर्जी प्लस इकाई मात्रा वाला स्थितिज ऊर्जा प्लस इकाई मात्रा वाला गतिज ऊर्जा, तीनों का योग हमेशा क्या होगा, स्थिर होगा।